परिवार को नमस्कार। दिव्य फूड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मैं कटहल का कोफ्ता बनाऊंगी और कोफ्ते की सब्ज़ी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से बनती है। अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए जो है इसमें से हमने आधा एक कटहल काट लिए हैं और ये बीज जो है हमने अलग कर लिए हैं। अब इसको जो है हम साफ पानी में धुलकर उबालने के लिए रख देती हूँ। देखिए हमने उबाल लिए हैं। अब इसको थाली में निकाल लेती हूँ। बेसन चलने से छान लेती हूँ। अब जैसे हमने ये बेसन यही कटहल में हमने छान लेती हैं चलनी से, और बेसन हमने छान लिए हैं। अब इसको जो है हाथ से मिक्स कर लेती हैं। जो है एक चम्मच लाल मिर्च इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ। नमक और लाल मिर्च इसमें मिक्स कर देती हूँ। बेसन में जला लिए हैं, रख देती हूँ गैस पे। कढ़ाई हमने रख दिया है और कढ़ाई गर्म हो रही है। कढ़ाई गर्म हो गई है और कढ़ाई में हम तेल डाल देती हूँ। तेल हमने डाल दिए हैं और तेल गर्म हो रहा है। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें तेल में हम ये चुहा देते हैं पकौड़ी टाइप की।
ये जो है देखिए हो चुके हैं और इसी तरीके से निकाली जाती हैं क्योंकि लाल लाल हो गई हैं। अब जो है इसी तरीके से और भी हम बनाने जा रहे हैं और सारी पकौड़ी हमने इसी तरीके से बना लेंगे। बेसन मिलाकर हमने ये सारी पकौड़ी बना लिए हैं। अब इसको जो है हम कोफ्ता बनाएंगे और देखिए इसे इधर जो है लहसुन प्याज काली मिर्च और जीरा हमने पीस लिए हैं और ये जो है 2 चम्मच पिसी हुई धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च, ये सब मसाला हम डालकर बनाएंगे। गरम हो चुका है और जो है तेल में हम मेथी डाल देते हैं। मेथी हमने डाल दिए हैं और इसको तल लेते हैं। अब जो है ये सब हम मसाला इसमें तेल में डाल तल लेते हैं। मसाला हमने तल लिए हैं और इसमें जो है मसाले में हमने पकौड़ी डाल देते हैं और इसको भी हमने इस तरीके से चला देते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक हमने डाल दिए हैं और फिर इसे अच्छे से चला देते हैं। अभी इसे हम ढक देते हैं, डाल देते हैं। थोड़ा और पानी डाल देते हैं। अब इसे ढक देते हैं। कटहल और बेसन मिलाकर हमने कोफ्ता बनाई है और ये कोफ्ते की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसमें जो है हम अभी गोल्डी मसाला डाल देती हूँ। देखिए हमने मसाला भी डाल दिए हैं और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।